ईरान के हमलों के बाद इजराइल अब किसी भी समय बदले के लिए वार कर सकता है, जंग शुरू हो सकती है। और इस डर के बीच भारत ने अपने देशवासियों के लिए सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी कर दी है। ट्रेवल एडवाइजरी जारी हो चुकी है और उन नागरिकों के लिए भी जो इस समय ईरान और इसराइल के अंदर मौजूद हैं, उन्हें भी सावधान रहने के लिए कह दिया गया है। नमस्कार, वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूँ सांची त्यागी। ईरान की तरफ से इसराइल पर किए गए हमलों के बाद सबसे पहली प्रतिक्रिया भारत की तरफ से अपने देशवासियों के लिए आई। ट्रैवल एडवाइजरी के रूप में भारत सरकार की तरफ से ये आग्रह किया गया है कि वो लोग जो इस समय ईरान और इसराइल के अंदर मौजूद हैं, वो सावधानी से रहें। इसराइल के लिए एडवाइजरी जारी करने के बाद अब ईरान में रहने वाले नागरिकों के लिए भी एडवाइजरी जारी हो चुकी है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बदले की बात कह चुके हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि इसराइल की तरफ से अब जवाब जरूर दिया जाएगा। ईरान ने इसराइल पर भारी बमबारी की थी, मिसाइलों के इस्तेमाल से जबरदस्त तरीके से इसराइल पर हमला हुआ। इसराइल अब इसके बाद ईरान पर जवाबी कार्रवाई के फुल मूड में है। हमले के तुरंत बाद इसराइल के प्रधानमंत्री की तरफ से बयान आया और इसी बीच भारत ने इसराइल को लेकर ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। भारत सरकार ने एक गूगल फॉर्म जारी करते हुए इसराइल के अंदर मौजूद लोगों को कहा कि वो इस फॉर्म को भरें और अपनी जानकारी भारतीय दूतावास तक पहुंचाएं, ताकि उनके साथ लगातार संपर्क बनाया जा सके। वहीं ईरान को लेकर के भी एडवाइजरी जारी हो चुकी है। भारत सरकार ने कहा है कि अनावश्यक ट्रैवल ना करें। भारत सरकार की तरफ से एडवाइजरी में कहा गया कि हम क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति में हाल ही में हुई वृद्धि पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। भारतीय नागरिकों को ईरान की सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी जाती है। वर्तमान में ईरान में रहने वाले लोगों से अनुरोध किया गया है कि वो सतर्क रहे और तेहरान में भारतीय दूतावास से संपर्क करें। बता दें, भारत इकलौता ऐसा परमाणु संपन्न देश है जिसके संबंध इसराइल और ईरान दोनों के साथ बेहतर है। ऐसी स्थिति में जब दोनों देश जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहली प्राथमिकता भारत की अपने नागरिकों को लेकर है। ऐसे में जब जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती है, तो भारत सरकार ने अपनी तरफ से पहला बयान अपने नागरिकों के लिए जारी कर दिया। कैसी लगी रिपोर्ट, कॉमेंट करके हमें बताइए। जय हिंद।